दोस्तों आज मैं पुणे से जाने वाला हूँ उड़ीसा के संबलपुर। तो अपना पूरा ट्रेन का जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ। ट्रेन है अपनी रात को 10 बजे करीब। तो चलिए देखते हैं अपना सफ़र कैसा रहेगा। अभी हूँ मैं फिनिक्स मॉल में और डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्टेशन। तो चलिए देखते हैं स्टेशन में जा कर के वहाँ का माहौल क्या है। और टाइमिंग की बात करूँ तो अभी हो रहा है 7:19। खाना यहीं से पैक करता हूँ और चलता हूँ। और अंधेरा भी हो चुका है। मैंने सोचा कि बस से चलते हैं, तो ये है विमान नगर का बस कॉर्नर। पुणे में जो बस स्टॉप है वो सड़क के बीचों बीच है बिल्कुल। यह जो विमान नगर का बस स्टॉप है इसके अंदर आपको जल्दी से एंटर होना पड़ता है क्योंकि बस के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं। यहाँ से मेरे को बस भी मिल गई थी और ये बस डायरेक्ट मेरे को रेलवे स्टेशन भी पहुँचा देगी। बस मेरे को यहाँ पर फ्लाईओवर पे उतार दिया तो पास में ही है यहाँ पर रेलवे स्टेशन। एंट्री भी मैंने कर लिया स्टेशन के अंदर। सो ये है स्टेशन का वातावरण आसपास का। यहीं से पुणे रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री होती है और यहां से मैं आपको आसपास का एक व्यू दिखा देता हूं। स्टेशन में दोस्तों भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। स्टेशन भी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं और ऐप में दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी तो चलिए देखते हैं। 20:08 ये आज़ाद हिंद एक्सप्रेस और देख सकते हैं इसके अंदर घुसने के लिए किस तरीके से लाइन लग रहा है। दोस्तों पुणे हावड़ा की जो आज़ाद हिंद एक्सप्रेस है वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए और इस ट्रेन से मैं भी आ चुका हूँ। ये जो ट्रेन है दोस्तों मुंबई से आई है, मुंबई से पुणे। अभी मेरे को भूख लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ खाना खा लेते हैं, फिर जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है अपना रात का डिनर, चिकन। अरे खाना तो खा लेंगे यार। उसको खाना खा रहा था और वो मांगने वाले आ गए थे। बिरयानी में दोस्तों चिकन के पीस भी बहुत सारे दिए हैं भाई ने। मज़ा आ रहा खा के।
स्टेशन में दोस्तों आपको बहुत भागा दौड़ी दिखाई देगा, इधर उधर लोग भाग रहे होंगे बिल्कुल। एक थोड़ा अगर आप शांति इलाके से आते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा हिल सकता है, तो स्टेशन में आपको बिल्कुल काम रहना है, कूल रहना है, तभी आप सफ़र का मज़ा ले पाएंगे। दोस्तों थोड़ा अलग ट्रेन लगा मेरे को, टूटीकोरिन, पता नहीं ये जगह कौन सा है, मैं पहली बार मैंने देखा। अभी दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठा हूँ और ये ट्रेन ने आवाज़ बढ़ा दी है, तो थोड़ी देर के बाद बोलूँगा। एक पानी का बोतल ले लिया 15 रुपये का, और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, किसी ने मेरे को बोला, अभी मैंने ऐप में देखा तो वहाँ पर मेरे को बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगा, फिर मैंने यहाँ पर पूछा तो वो बोलते हैं कि ज़्यादातर, अंकल ने बोला, पीछे वाले अंकल ने, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आती है, महाराष्ट्र एक्सप्रेस, तो वापस मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये सीढ़ी पे मैं चढ़ रहा था, यहाँ से नज़र पड़ी क्राउन प्लाज़ा, आप सामने देख सकते हैं क्राउन प्लाज़ा होटल। मेरे जो ट्रेन का नंबर है वो है 11039, और मैं यहाँ पर एंट्री करते हैं पुणे स्टेशन के अंदर, वहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूँ। सो ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे और कब आने वाला है, तो अपना है ये 11039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस, 22:15 पर, और ए लिखा हुआ है सामने। तो एक चीज़ मेरे को डाउट हो गया, ये जो बोर्ड होता है जहाँ पर लिखा रहता है ट्रेन और उसका टाइम, तो एक चीज़ डाउट है, वो मैं आपसे भी पूछता हूँ, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। ये आप देख सकते हैं सबसे आगे लिखा है ट्रेन का नंबर, उसके बाद कौन सा ट्रेन है, उसके आगे टाइम लिखा हुआ है, फिर वो DDA, इसका क्या मतलब होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर लिखा है AD, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, और उसके आगे प्लेटफॉर्म नंबर, वो तो समझ में आ रहा है, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस AD इन सब का क्या मतलब होता है। अभी था मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये स्क्रीन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखा रहा है, आप तीसरे नंबर पे देख सकते हैं महाराष्ट्र एक्सप्रेस। सो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चल रहा हूँ, और वहाँ पर मेरे को लग रहा है यही ट्रेन है अपनी, कोल्हापुर लिखा है और गोंदिया लिखा है, जा करके पता करते हैं। सो ये रही अपनी ट्रेन भी लगी हुई है, कोल्हापुर गोंदिया 11039। बाहर से देख के लग रहा है दोस्तों ट्रेन थोड़ी भरी हुई है, देखते अंदर चल करके B2, और ये रहा B2, इसके अंदर देखते अपनी सीट। अपना जो सीट है वो है साइड अपर, तो ऊपर वाला सीट है, तो देखते हैं वीडियो कैसे बनाते हैं, आपको कैसे मैं दिखाता हूँ नज़ारा बाहर का। थोड़ा देर पहले दोस्तों मैं वहीं से आया था, उस साइड से दिखाता हूँ आपको। सो ऊपर से ब्रिज में चल करके अभी मैं अपने ट्रेन के अंदर हूँ। लॉकडाउन के बाद दोस्तों कई महीनों तक रजाई चादर कंबल नहीं दिया था, तो अब देना स्टार्ट हो गया, तो वो देख कर मेरे को अलग ही सा लग रहा है। छोड़ा
पीछे जो शॉप है दोस्तों, वहाँ पर एक बंदे ने कुछ सामान खरीदा होगा तो उसको 10 रुपये कम दिए थे, तो वो बंदा वापस आकर गंदी गंदी गाली सुना रहा था जो इसके अंदर काम करता है। तो भाई यही है। सो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अभी रात के 10:51 हो रहे हैं, तो जैसे ट्रेन चलती है वो भी आपको बताता हूँ कि किस टाइम पे एग्जैक्ट चलती है। सो यहाँ पर एक और एक ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन है ये? सो ये है लोकल ट्रेन। ये भी दोस्तों एक काम होता है, डस्टबिन के अंदर से ढूंढ ढूंढ कर भैया प्लास्टिक निकाल रहे हैं उसको बेचने के लिए। दस चौवन हो रहे हैं, 10:54 और ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेन के अंदर का कुछ ये था नज़ारा। ये जो लड़कियाँ हैं ये किसी गेम के खिलाड़ी थे, तो ये लोग भी सफ़र कर रहे थे और मैं यहाँ साइड लोअर में आराम से लेटा हुआ था। सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं 7 बजे उठ गया था और भी 8 बज चुका है, तो मेरी सीट वो थी ऊपर वाली, तो ऊपर ही बैठा हुआ था। नीचे तो कोई और सोया हुआ था, RSC था 2 लोग का, तो मैं रात से ऊपर ही था। तो अब मैं आपको आगे का जर्नी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर जो लोग थे, लड़कियाँ सब बैठी थी, वो भी चली गई है। अभी ये पूरा खाली है और स्टेशन आ गया भुसावल। चलिए देखते हैं बाहर का नज़ारा। ये है भुसावल स्टेशन और यहाँ पर एक डॉग सोया हुआ है, कहाँ गया। सो ये रही अपनी ट्रेन और यहाँ पर मैंने देखा है तेरे डॉग है और इसके बच्चे भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ दोस्तों बाहर का नज़ारा। दोस्तों मलकापुर रेलवे स्टेशन में भी पहुंच चुके हैं। अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट होगा वो होगा ये मूंग दाल हल्दीराम का, तो ये खाते हैं। स्टेशन है दोस्तों नंदूरा आ चुके हैं और टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:36। अभी तक का सफर है बहुत ही सही चल रहा है, मजा आ रहा है ट्रेन में। वीडियो देखते देखते बढ़िया से मैं आ रहा हूँ। और मालगाड़ी जा रही थी वो दिखो। ये स्टेशन है दोस्तों शेगांव, श्री गजानन महाराज जी का यहाँ पर समाधि है, उस चीज़ के लिए फेमस है ये।
लग रहा तारा। अकोला जंक्शन तो अभी दोस्तों अकोला जंक्शन गया। करके 45 मिनट हो रहा है। ये दोस्तों मुर्तिजापुर दोस्तों। एक स्टेशन आया है, स्टेशन का नाम है, अभी आपको बताता हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है और हज़रत निज़ामुद्दीन से भुसावल नाम का एक ट्रेन है सामने। ये दोस्तों स्टेशन का नाम बडनेरा जंक्शन। दोस्तों 11:52 हो रहा है और बडनेरा जंक्शन में भी पहुँच चुके हैं और ये ट्रेन खड़ी है अभी। दोस्तों 2 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर हूँ। ट्रेन बहुत ही सही स्पीड में चल रही है अभी। देखते हैं नागपुर कितने बजे मैं पहुँचता हूँ और आपको बताता हूँ। नागपुर पहुँच करके भी मेरे को एक दूसरी ट्रेन पकड़नी है तो वो भी देखेंगे। अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा नज़ारा है। दोस्तों नागपुर में पहुंचने वाले हैं और अभी आपको मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां से दोनों जगह से ट्रेन जाता है वो ट्रैक। और ट्रेन भी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है अभी। और ये है मेट्रो का पुल, ऊपर से मेट्रो भी जा रहा है। वो बंदा वीडियो बना रहा है तो ट्रेन वाले उसको बोल रहे हैं। वहाँ पे शायद से मेट्रो स्टेशन बन रहा है और मैंने मेट्रो भी देख ली, वो देखिए आपको भी दिखाता हूँ। ये चल रही है मेट्रो और वो स्टेशन बना नहीं है। मेट्रो में लोग तो बैठे हैं
तो शायद से नया स्टेशन बन रहा होगा, ऐसा लग रहा है। और ये स्टेशन के अंदर भी पहुंचते हुए नागपुर जंक्शन, सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 6 वो वाला। एग्जैक्ट 3:30 बजे मैं प्लेटफॉर्म में भी आ चुका हूँ, मतलब उतर गया हूँ ट्रेन से। हाँ तो दोस्तों, मैंने एक भैया से पूछा था कि डायमंड क्रॉस कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे चले जाना। सो मैं पटरी के साइड साइड चल रहा हूँ और अभी भी आपको दिखाता हूँ। सो ये वो एरिया है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बनावट है पटरी का, है ना लाजवाब। ये मेरे को देखना था बिल्कुल। और ये देखिए, नज़दीक से मैंने डायमंड क्रॉसिंग जो नागपुर का फेमस है वहाँ पर गया और उसकी वीडियो बनाया। साइड में दोस्तों एक बंदा था जो प्लास्टिक प्लास्टिक चुनता है, मैंने उससे पूछा भाई एक फ़ोटो ले लेना, तो उसने बोला काई को, ये भी सही है। शाम के 4 बज गए थे और मेरे को ज़ोरों से भूख लग रही थी। स्टेशन के सामने एक भैया पूड़ी बना रहे थे, तो वहीं पर मैंने सोचा पूड़ी भाजी खा लिया जाए। सो पूड़ी का टेस्ट भी बढ़िया। ये है नागपुर स्टेशन की बिल्डिंग, देखने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। पुणे से भी ज़्यादा मेरे को नागपुर स्टेशन की बिल्डिंग अच्छी लगी। सो ये है पूरा व्यू नागपुर स्टेशन का, बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा है देखकर। और सामने वहाँ पर एक इंजन है, उसका भी वीडियो बनाते हैं। वो ब्रिज के अंदर से एंट्री। एक और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हल्दीराम का जो शॉप है वो रेलवे का जो डब्बा होता है, ट्रेन का डब्बा होता है, उसके जैसा बनाया हुआ है होटल, तो देखने में शानदार है। चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं ये रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। पार्सल के लिए यहाँ से है और खाने के लिए वहाँ से। सबसे पहले आप ये मेन्यू देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा दिखता है। अंदर से बिल्कुल बॉक्स शेप में है, ये बॉगी जैसा। खाने में मैंने दाल मखनी और राइस लिया था, टेस्ट खाने का बहुत ही ज़बरदस्त था। चलिए अब नागपुर रेलवे स्टेशन के अंदर फिर से एंट्री लेते हैं और दूसरा ट्रेन के लिए अपना जगह देखते हैं। यहाँ से दोस्तों आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सर ने मेरे को बोला 8 बजे 6 नंबर, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो स्टेशन के अंदर भी आ चुका हूँ, अभी देखता हूँ प्लेटफॉर्म कौन सा है और वहाँ बैठते हैं प्लेटफॉर्म पर, अंगूर भी धोने। नागपुर में दोस्तों टिकट चेक करने वाले घूमते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना।
चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 कहाँ पर। तो यहाँ पर लेटा हुआ था और यहाँ पर एक और एक ट्रेन जा रही है, कौन सी है जरा देखें। अहमदाबाद हावड़ा। और ये नागपुर का दोस्तों ये ब्रिज है, बहुत ही शानदार लगता है देख करके। ट्रेन अपनी जो ट्रेन है रात को 8:00 है नागपुर से, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों लोगों से बातें भी कर रहा हूँ वीडियो कॉल में, तो अच्छा लग रहा है। टाइम पास के लिए मैंने अंगूर भी खरीद लिया था और अंगूर को पानी में डाल करके साफ करके खा भी लिया। दोस्तों मैं नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे बैठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:07। अपनी जो ट्रेन है वो 8:40 के करीब आने वाली है, तो 20-25 मिनट लेट हो गई है। ट्रेन कब आती है वो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ और कौन से प्लेटफॉर्म पर, ये भी आपको बताऊँगा। पहले हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे बैठे थे पर बोल दिया कि वहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तो हम लोग भागते भागते फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए। यशवंतपुर है। सो ये दोस्तों ये भी अपना ट्रेन नहीं है, ये यशवंतपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन। रात के दोस्तों 9:00 और अपनी ट्रेन भी आने वाली है और आपको मैं प्लेटफॉर्म का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। एग्जैक्ट 9:01 हो रहा है और अपना ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रहा है, ये नागपुर के, और अपने साथ है अपना दोस्त। चलिए देखते हैं अभी, और पीछे ब्रिज है बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, एक नंबर। सो ये है अपना ट्रेन गांधीधाम से पूरी। कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। ये है शटर वाला दरवाज़ा, कुंडी ऐसे लगती है और इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये खुलेगा। ये देखिए कैसा है। इतने बार मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया पर कभी भी ऐसा खींचने वाला दरवाज़ा नहीं देखा था कि दो हिस्से में है ये टॉयलेट वाला दरवाज़ा। सुबह 7:06 हो रहा है और टिटलागढ़ जंक्शन भी पहुंच चुके हैं। अभी दोस्तों 7:12 हो रहा है और अपना ट्रेन टिटलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रुका हुआ है। इसके बाद बालांगीर जंक्शन, फिर बरगढ़ रोड, फिर उसके बाद संबलपुर। दो स्टेशन के बाद अपना डेस्टिनेशन भी आ जाएगा। आपको जर्नी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टेशन में मेरे को यह चीज़ अच्छी लगी, जहाँ से ट्रेन में पानी भरा जाता है जिस पाइपलाइन की मदद से, वहीं पर गमले रखे हुए हैं, तो हरियाली भी स्टेशन की मेंटेन हो रही है। अगर आपने भी किसी स्टेशन में ऐसा देखा है तो कमेंट करके बताना। मैंने तो पहली बार ही ऐसा देखा था कि गमले भी यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ से ट्रेन में पानी भी भर सकते हैं
और सुंदरता के लिए यहाँ पर गमले में हरियाली दिखेगी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आए गरम इटले गरम इटले आए इटले 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 गरम इटले गरम पर भी बैठते हैं ट्रेन के अंदर। इस जगह पर ट्रेन बिल्कुल कर्व हो गई थी, दोनों साइड से ट्रेन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिख रहा था जो कि देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पर दोस्तों खेती देख सकते हैं, खेती बहुत ही शानदार है और अभी एक ब्रिज आने वाला है उसकी वीडियो बनाते हैं। यह छोटी सी ये कैनाल थी। दोस्तों ऐसा लग रहा है ये जो पटरी के नीचे ये जो बिछा रहता है इन सभी को चेंज किया गया है इस रूट में, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना सारा वेस्ट हो गया है। इतने भारी भारी होते हैं ये जो ट्रेन के पटरी के बीचों बीच में रहते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है, खेत दिखाई दे रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। 9:32 हो चुका है और हम लोग बरगढ़ रोड रेलवे स्टेशन में भी पहुँच चुके हैं। इस घर का भी कलर दोस्तों मेरे को अच्छा लग रहा है और ये है बरगढ़ रोड। फाइनली दोस्तों मैं संबलपुर भी पहुंच चुका हूं, 10:11 हो रहा है। ये थी अपनी ट्रेन और ये ट्रेन कितना लेट हुआ है ये आपको देख कर आप पता चल जाएगा, स्क्रीन में मैं टाइमिंग दे देता हूं। संबलपुर में मेरे को 7:30 बजे तक पहुंचना था पर मैं 10:12 में पहुंचा।
ये सामने दोस्तों पेंट्री कार का एक बॉगी है, तो इसकी हालत देखिए, धुएं धुएं के वजह से शायद हुआ होगा। मैं अपने सफ़र की बात करूं तो सफ़र बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया। आपको मेरा ट्रेन जर्नी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो दिल से धन्यवाद।